सो 2 साल का सफर आज यहाँ से खत्म। कहते हैं ना कहीं से जब अंत होता है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, क्या कहना चाहेंगे? The thing is कि हम दोनों का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है शो में, बिकॉज हमने 2 साल एक साथ रूम भी शेयर किया है और बॉन्ड भी शेयर किया है, तो हमारी फर्स्ट कॉन्वर्जेशन भी मुझे याद है और हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन भी मुझे हमेशा याद रहेगी। पर लास्ट कॉन्वर्जेशन नहीं है, लास्ट एज इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर रीमा एंड सिमी। रीमा, हाँ, रिमी सिमी, रिमी सिमी का, यस डेफिनेटली। बट द जर्नी हैज बीन अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल, ओनली बिकॉज हमारे हर एक किरदार ने अपना पार्ट बेस्ट निभाया है, बहुत ईमानदारी से निभाया। एंड आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ, बट ये लड़की ने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। एंड आई थिंक एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग, हु हैज वॉच्ड ससुराल सिमर का 2 इज वेरी प्राउड ऑफ यू। जैसा बट इट्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम, जो उन लोगों ने सपोर्ट किया है मुझे, बीच में कई कुछ कुछ जगहों पे टोका है, सिखाया है, आई एम श्योर। तो एक दूसरे को सिखाना इज द जर्नी, आई मीन अगर आप एक दूसरे को करेक्ट नहीं करते दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग। आप नॉट इंडिविजुअली बट एज अ टीम ग्रो करना चाहिए और आई थिंक वी डिड दैट। हमारे तनिष बातें बताते हैं कि हमारा रोना धोना हो चुका है, बट अभी भी हमने आपको जब भी हम आपके रूम में गए थोड़ा इमोशनल पाए, तो जो भी फैंस से कहना है वो भी रो ही रहे हैं, एक तरह से कहा जाए वो भी नहीं चाहते ये शो बंद, और उनका अभी भी यही कहना कि क्यों हो रहा है बंद, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो शो को एक टाइम पे तो एंड कभी ना कभी तो एंड, बट हमारे ऑडियंस को मैं यही कहूंगी कि आप मिस नहीं करेंगे, आप कलर्स रिश्ते पे हमें वापस देखेंगे। प्लीज, कलर्स शुरू से हमारा शुरू होने वाला है, हमारा स्टोरी फिर से शुरू होने वाला है स्टार्टिंग से, तो आप 18 अप्रैल से वो देखिएगा। मैं खुद देखूंगी तो आप भी देखिएगा, हम भी टीवी पे देखेंगे तो आप भी देखिएगा। अब मुझे बुलाइए।